बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना को पिछले शुक्रवार को डिहाइड्रेशन की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसी बीच मुंबई की एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में विनोद खन्ना की सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें विनोद खन्ना बेहद दुबले पतले और कमजोर नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर जहां उनके लाखों करोड़ों फैंस परेशान हैं, वहीं अभिनेता इरफान खान भी बेहद दुखी हैं। इस तस्वीर को देखकर इरफान ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह विनोद खन्ना को अंगदान करने के लिए भी तैयार हैं और वह पीछे भी नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि विनोद खन्ना साहब जितनी जल्दी हो सके ठीक हो जाएं। अगर मेरी कोई ज़रूरत पड़ी या फिर अंग देना पड़ा तो मैं उन्हें अंगदान करने को तैयार हूँ। मेरे लिए विनोद खन्ना बहुत मायने रखते हैं, वो अपने ज़माने के सबसे हैंडसम एक्टर में से एक रहे हैं। इरफान ने कहा कि मुझे उनकी फ़ोटो देखकर बहुत बुरा महसूस हो रहा है, मैं उन्हें इस हाल में नहीं देख सकता। ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उनकी सेहत जल्दी ठीक हो जाए और उनकी सेहत में सुधार आ जाए। विनोद खन्ना की तबीयत पिछले काफ़ी वक्त से नासाज है, इसी वजह से बीते शुक्रवार को उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां कई डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। सूत्रों के अनुसार विनोद खन्ना की तबीयत का जायजा लेने खुद देर रात सलमान खान अस्पताल पहुंचे। सिर्फ सलमान ही नहीं बल्कि सीएम देवेंद्र फडणवीस भी विनोद खन्ना से मिलने गए। फिलहाल विनोद खन्ना के फैंस उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। बीबीपी न्यूज़ सबसे आगे। अन्य रोचक खबरों के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।